मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज योर थर्ड असेसमेंट। आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश लिटरेचर्स 11 चैप्टर 11, दैट इज द क्रूएल क्रेन आउटब्रेक। किस तरह से एक चालाक क्रेन को धोखा मिलता है। नाउ लुक एट द बुक। लॉन्ग एगो इन अ फॉरेस्ट वाज अ सर्टेन लोटस फाउंड। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में, फॉरेस्ट में सर्टेन लोटस फाउंड, एक निश्चित जो लोटस फाउंड था, वो था मतलब उस जंगल में हमेशा से वो फाउंड था, वही लोटस फाउंड। नाउ एट द टाइम द वाटर यूज टू रन शॉर्ट इन द ड्राई सीजन इन अ सर्टेन फाउंड। और फिर क्या था कि जब ड्राई सीजन आता था तो उस सर्टेन फाउंड में पानी बहुत ही कम हो जाता था, इसके वजह से क्या होता है, इन विच देयर वर अ गुड मैनी फिश। और क्या था, जिसकी वजह से जो फिश थी वहाँ पर बहुत मात्रा में मिल जाती थी। जैसे गहरा पानी रहता है और पानी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें क्या होता है, फिश अंदर रहती है, ऊपर ऊपर दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो क्या होता है, कम पानी में ज़्यादा फिश होगी तो वो दिखाई पड़ेगी, और इसीलिए वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी फिश मिल जाती थी। एंड क्रेन थॉट ऑन सीइंग द फिश, और एक क्रेन ने फिश की तरफ देखते हुए सोचा, आई मस्ट आउटफिट दिस फिश सम हाउ और अदर एंड मेक अ प्री ऑफ देम। और क्या कहता है, सोचता है उनको देखते हुए कि मैं इन मछलियों को धोखे से अदर एंड मेक अ प्री ऑफ देम, उन लोगों को धोखा दूंगा, धोखे से उन्हें बहाना बनाकर मैं ले जाऊंगा और धोखे से उनको उनका शिकार करूँगा। मतलब जो क्रेन है वो आप लोग जानते हैं ना कि फिश खाना पसंद करता है, तो वहाँ पर बैठा बैठा सोचा करता है कि मैं कैसे इन सारी फिश को एक ही बार में खा जाऊँ। वो सोचता है कि मैं ये धोखे से कर सकता हूँ और मैं इनका शिकार करूँगा। द एंड ही वेंट एंड सैट डाउन एट द एज ऑफ द वाटर थिंकिंग हाउ ही शुड डू इट। और फिर वो पॉन्ड की एज पर बैठ गया, किनारे पर बैठ गया, ये सोचते हुए कि उसको ये काम हम कैसे करना है। When the fish saw him, they asked him, "What are you sitting? Why? What are you sitting there for?" Lost in thought. जब फिश ने उसको किनारे पर बैठा हुआ देखा तो पूछा कि तुम किन ख्यालों में यहाँ पर डूबे हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो, तो वो कहता था, "I am sitting thinking about you," said he. और उसने कहा कि मैं यहाँ बैठा तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब उसने धोखा देने की सोची थी ना, तो उसने फिश को जो है पहले क्या किया, सोचा कि इनको मेरे पर विश्वास हो जाए, तो कहता है कि मैं बैठा हूँ और तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। ओ सर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अस, दे सेड दे। और फिर उन्होंने कहा, अरे श्रीमान जी, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाई ही रिप्लाइड, देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन दिस पॉन्ड एंड बट लिटिल फॉर यू टू ईट एंड द हीट इज सो ग्रेट, सो आई वॉज थिंकिंग वॉट इन द वर्ल्ड विल दीज फिश डू नाउ। और फिर क्या कहता है आगे, व्हाई ही रिप्लाइड, देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन दिस पॉन्ड। उसने आंसर किया कि यहाँ पॉन्ड में बहुत ही कम वाटर है और खाने के लिए भी तुम लोगों के लिए बहुत कम है, और जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि अब इस संसार में मछलियों को क्या होगा। यस इंडीड सर, वाटर वी टू डू सेट। और मछलियाँ जो है सब सोचती कि हमारे बारे में इतना सोच रहा है, तो कहती हाँ आप सही कह रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। इफ यू विल ओनली डू एज आई बिलीव, I will take you in my beak to a fine large pond covered with all kind of lotus and put you into it, answered the crane. और फिर क्रेन ने आंसर किया, if you will only do as I bid you, अगर तुम वो करो कि जो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा, तो मैं तुम्हें अपनी चोंच में ले जाकर कवर करके कहाँ ले जाऊँगा, एक अदर पॉन्ड में ले जाऊँगा जहाँ पर बहुत सारे लोटस प्लांट हैं, और उसके बाद उसमें छोड़ दूंगा जाके जहाँ पर खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। दैट क्रेन शुड बी कंसर्न्ड फॉर द फिशेज इज अ थिंग अनसर्ड अनहर्ड ऑफ सर सिंस द वर्ल्ड बिगन, इट्स ईटिंग अस वन आफ्टर द अदर दैट यू आर एमिंग एट। फिर जो है एक मछली उसमें से बोलती है, दैट अ क्रेन शुड बी कंसर्न्ड फॉर द फिशेज इज अ थिंग अनहर्ड, कहती है कि कोई क्रेन जो है
खाते रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी वही करना चाहते हो? नॉट आई, सो आई लव सो लॉन्ग एज यू ट्रस्ट मी आई वॉन्ट ईट यू, बट इफ यू डोंट बिलीव मी दैट देयर इज सच अ पॉट सेंड वन ऑफ यू विद मी टू गो एंड सी। और कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो क्यों ना तुम लोगों में से कोई एक लोग चल के मेरे साथ वहाँ देख लो कि ऐसा एक पॉन्ड इस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, और फिर आकर बताना और मुझे भरोसा करना। देन दे ट्रस्टेड हिम एंड हैंडेड ओवर टू हिम वन ऑफ देयर नंबर अ बिग फेलो ब्लाइंड इन वन आई हु दे थ्रस्ट आउट एनफ इन एनी इमरजेंसी अ फ्लोट ऑफ अशोर। फिर क्या है, देन दे ट्रस्टेड हिम, और फिर उन्होंने उस पर भरोसा किया एंड हैंडेड ओवर हिम वन ऑफ देयर नंबर, और उनमें से एक को उसके हवाले कर दिया, किसको, जो कि वन आई फिश थी, उसकी एक ही आँख थी, उस फिश को उसके साथ में जाने दिया और कहा कि अगर कोई हुम दे थॉट शार्प एनफ इन एनी इमरजेंसी, जिसको सोचते थे कि किसी भी इमरजेंसी बहुत ही शार्प है, बहुत तेज है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो तुरंत आ जाएगी और बता देगी। द क्रेन टुक द फिश विद हिम लेट हिम गो इन द पॉन्ड शोर इन द होल ऑफ इट गॉट हिम बैक एंड लेट हिम गो अगेन क्लोज टू द अदर फिश। और फिर उसने क्या किया, ऐसा ही किया, उस मछली को लेकर गया, उसने पॉन्ड दिखाया और फिर अदर फिश के क्लोज में, एंड ही टोल्ड देम ऑल द ग्लोरीज ऑफ द पॉन्ड, और फिर उसने सारे जो पॉन्ड की ग्लोरी है, जो कि वहाँ की खूबसूरती थी, उसके बारे में बताया। एंड व्हेन दे हर्ड व्हाट ही सेड दे एक्सक्लेम ऑल राइट सर यू मे टेक अस विद यू। और जब उन लोगों ने उसके बारे में सुना, उस तालाब के बारे में, पॉन्ड के बारे में उस मछली ने बताया, तो फिर उन लोगों ने कहा ठीक है सर, हम आप पे भरोसा करते हैं और हम आपके साथ चलेंगे। Then the crane took the old blind fish first to the bank of the other pond and alighted in a tree growing on the bank there, but he threw it into a fork of the tree, struck it with his bill and killed it, and then ate its flesh and threw its bone away at the foot of the tree. फिर उनमें से जो मछली थी उसको सबसे पहले ले गया ब्लाइंड फिश को, और उसने उसे पकड़ा, अपनी चोंच में लेकर गया, और फिर उसे पॉन्ड में ले जाने के बजाय उसने कांटों वाले पेड़ पर फेंक दिया और उसे अपनी चोंच से फाड़ के खा लिया, उसका फ्लैश जो था वो खा लिया, और उसकी जो हड्डियाँ थी, उसकी जो बोन्स थी, उसे ट्री के फूल पर फेंक दिया। देन ही वेंट बैक एंड गॉट आउट आई हैव थ्रोन दैट फिश इन लेट इन लेट अनदर वन कम, और उसने कहा कि मैंने उस मछली को उस तालाब में डाल दिया है, अब एक एक करके सब लोग आओ। एंड इन दैट मैनर ही टूक ऑल द फिश वन बाय वन एंड ऐड देम टिल ही केम अगेन एंड फाउंड नो, और वो इसी तरह एक के बाद एक सारी मछलियों को खा गया जब तक कि वहाँ सब खत्म नहीं हुआ। फिर क्या था, बट देयर वॉज स्टिल अ क्रैब लेफ्ट बिहाइंड देयर एंड ही एंड द क्रेन थॉट ही वुड ईट देम इन टू अ He would eat him too and called out, I say, good crab, I have taken all the fish away and put them into a fine, large pond. Come along, I will take you too. और फिर उसने क्रैब को बुलाया और कहा कि क्रैब मैं तुम्हें भी उसी पॉन्ड में ले जाकर डाल दूँगा जहाँ मैंने सारी मछलियों को डाल दिया, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। But how will you take hold of my, a hold of me to carry me along? और कहता लेकिन मैं आपको बहुत देर तक पकड़े नहीं रह सकता, तो मैं आपको किस तरह ले चलूँ, आई बाइट होल्ड ऑफ यू विद माई बी, और कहता है कि मैं आपको अपनी चोंच में पकड़ कर ले चलूँगा। यू विल लेट मी फॉल इफ यू कैरी मी लाइक दैट आई वुड नॉट गो विद यू, तो फिर उसने कहा नहीं नहीं मुझे तुम गिरा दोगे, मैं अगर तुम मुझे इस तरह से ले चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। डोंट बी अफ्रेड, उसने कहा डरो नहीं, आई विल होल्ड यू क्वाइट टाइट ऑल द, उसने कहा मैं आपको पूरे रास्ते में बहुत टाइटली पकड़े रहूँगा, आप डरिए नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, क्रैब जो था उसके पास और ज़्यादा माइंड था, उसने क्या किया, देन द क्रैब सेड टू हिमसेल्फ इफ दिस फेलो वंस गॉट होल्ड
जैसे कि लोहार जो पकड़ बनाता है, पकड़ने वाली पिंसर्स होती है, पिंसर्स होती है, एक टूल होता है सीजर्स की तरह, उसको दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसके साथ में चला गया। एंड द क्रेन टूक हिम एंड शोड हिम द पॉन्ड एंड देन टर्न ऑफ टूवर्ड्स द ट्री। और फिर उसने जो है ले जाकर उसे पॉन्ड दिखाया और फिर तुरंत उसी पेड़ की तरफ मुड़ गया, कहाँ जहाँ पर मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अंकल क्रैक द क्रैब, क्रैब चिल्लाया, अंकल द पॉन्ड लाइज दैट वे बट यू आर टेकिंग मी दिस वे। उसने कहा कि अंकल पॉन्ड तो उस रास्ते पर, लेकिन आप मुझे इस रास्ते पर क्यों लेकर जा रहे हो। दैट्स इट, इट इज आंसर द क्रेन, यू मीन मी टू अंडरस्टैंड आई सपोज दैट आई एम योर स्लेव हु हैज टू लिफ्ट यू अप एंड कैरी यू अबाउट विद हिम। नाउ कास्ट योर आई अपॉन द हीप ऑफ फिश बोन्स लाइंग एट द रूफ ऑफ योर ट्री एज जस्ट एज आई हैव ईटन थ्रू दोज फिश एवरी वन ऑफ देम जस्ट सो आई विल गिव यू एज वेल। और फिर उसने क्या कहा कि क्या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो कि मैं तुम्हें उस तालाब से ले जाकर दूसरे तालाब में छोड़ूंगा जाके, क्या तुम पेड़ों के पास पड़ी हुई हड्डियाँ नहीं देख रहे हो कि मैंने सारी मछलियों को खा लिया है और उसमें से कोई भी नहीं बची है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। एज दोज फिशेस गॉट ईटन थ्रू दियर ओन स्टुपिडिटी आंसर पे, क्रैब ने कहा वो अपनी मूर्खता के कारण खाई गई हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू ईट, लेकिन मैं आपको अपने आप को खाने नहीं दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी इज इट यू दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। फॉर यू इन योर फॉलिंग हैव नॉट सीन दैट आई वॉज लाइक टू यू, और आपने नहीं ध्यान दिया कि मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। इफ वी डाई वी बोथ डाई टुगेदर, अगर मैं मरा तो हम दोनों साथ में मरेंगे। फॉर आई विल कट ऑफ दिस हेड ऑफ योर एंड कास्ट इट इनटू द ग्राउंड, मैं आपके सर को काट दूंगा और ग्राउंड में फेंक दूंगा। एंड सो सेइंग ही गेव द क्रेन्स नेक अ ग्रिप विद हिज क्लॉज एज विद अ वॉइस, और ये कहते कहते उसने ही उसने क्रेन के गले को तेजी से पकड़ लिया। देन गैस्पिंग एंड विद टीयर्स स्प्रिंकलिंग फ्रॉम हिज आईज एंड ट्रेम्बलिंग विद द फियर ऑफ डेथ द क्रेन विसेस हिम सेइंग ओ माय लॉर्ड इंडीड आई डिड नॉट इंटेंड टू ईट यू ग्रांट मी माय लाइफ, और ये देखकर वो डर गया क्रेन और उसने जो गिरदाती थी उससे कहा कि मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वेल वेल स्टेप डाउन इन टू द पॉन्ड एंड पुट मी इन देयर, और उसने कहा कि चलो फिर पॉन्ड की तरफ चलो और मुझे उसमें छोड़ो चल के। एंड ही टर्न राउंड एंड स्टेप डाउन इन टू द पॉन्ड, और वो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे तालाब में उतरा। एंड प्लेस द क्रैब ऑन द मड एट इट्स एज, और धीरे धीरे उसने उस एज के मतलब किनारे के कीचड़ में उसे छोड़ दिया। बट द क्रैब कट डाउन कट थ्रू इट्स नेक एज क्लीन एज वन वुड कट अ लोटस स्टेम, और लेकिन क्रैब ने क्या किया था उसको छोड़ते छोड़ते इतने शानदार तरीके से इतने फाइन तरीके से उसके नेक में एक कट दे दिया था जैसे कि लोटस के स्टेम मतलब किसी लोटस के तने को काटा जाए, अ हंटिंग नाइफ एक शिकारी चाकू की तरह। एंड देन ओनली इंटर द वाटर, और फिर अकेले ही वाटर में चला गया। सो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी धोखा होता है। आई होप ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी और इससे आप सीखेंगे कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नाउ फॉर द एक्सरसाइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू राइट कॉपी वर्क डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, फर्स्ट एच, सेकेंड कंसर्न, थर्ड अनहर्ड, फोर्थ ट्रस्टेड, फिफ्थ एमरजेंसी, सिक्स अशोर, सेवन स्क्लेम, एट क्लॉ। फिर डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद आपके बुक में देखिए जहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, ये देखिए आपकी बुक में हर पेज पे चैप्टर में वर्ड मीनिंग दी हुई है, इन वर्ड मीनिंग को आप अपने बुक से कॉपी में लिखेंगे जस्ट डिफिकल्ट वर्ड के बाद। देन आपका शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है
वो है हाउ डिड द ट्रेन मेक द फिश बिलीव इन यू, उसने अपने आप को बिलीव कराने के लिए क्या किया। आंसर इज द ट्रेन टुक वन आई फिश विद हिम फॉर शोइंग द ग्लोरियस पॉन्ड एंड ब्रॉट हिम बैक। फिर आपका सेकंड है व्हाट डिड ही डू विद ऑल द फिश, ही किल्ड देम Baby.